Does God really exist? अगर आप बोलेंगे yes, तो आप सत्य को नहीं पाएंगे। क्योंकि आपके सिवा और कोई है जो कि एग्जिस्ट करता है, तो आपको सत्य नहीं मिलेगी। और मुझसे कोई पूछता है, पूछते भी बहुत सारे लोग, क्या सचमुच में भगवान है, तो मेरी उत्तर आप लोग सुन लीजिए। कल से आप लोग आए या ना आए, इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ एक चेतना है, चेतना मात्र चेतना, उसी चेतना को हम आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और कुछ लोग भगवान कहते हैं। सिर्फ चेतना है और कोई भगवान कहीं बैठा नहीं है, ना ही कोई भगवान तुम्हें बनाया है और दुख भोगने के लिए भेजा इधर, और कहीं बैठ के देख रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सिर्फ मात्र ब्रह्मांड एक चेतना के अंदर है, वो एक चेतना ही है, यही सत्य है, इसी को आत्मा कहते हैं। और ये चेतना ही आपका स्वरूप है। जब चेतना में पहुंचते हैं, उस परम चेतना में, तो आप मिट जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। और ये चेतना स्वतः एक्सप्रेस अलग अलग लेवल पे कर रहा है अपने आप को, मात्र चेतना है। बाकी ये बहुत सारे ब्राह्मणों ने, कुछ ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे शास्त्र लिखकर आज भी लोगों को इस तरीके से अंधविश्वास में डाल रखा है कि वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। और मैं गारंटी दे के बोल रहा हूं, कोई भी आत्मज्ञानी अगर कह दे कि सचमुच में ये चेतना या आत्मा के सिवाय कोई भगवान है, ये हो ही नहीं सकता है। ना आज तक कहा है, ना कह रहा है आज भी कहीं, ना भविष्य में कहीं कभी कहने वाला है। आप जीवन में दुखी होंगे तो कहेंगे भगवान की वजह से, जीवन में सफल भी होंगे तो भी आप कह सकेंगे हो सकता है भगवान की कृपा है, भगवान की वजह से। आपके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, सिर्फ आपके कारण या आपके कर्मों की वजह से घट रही है। कोई भगवान नहीं है, सिर्फ एक चेतना है, जीता जगता चेतना है बस। वो चेतना ही ये रूप ले रहा है, स्थूल आकार ले रहा है, स्थूल से अपने मूल प्रकृति में आता है, सिर्फ एक चेतना। तो चेतना की जब किसी ने उस सत्य को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाता है, तो देखता है वो चेतना की जो स्थिति है वही एक आत्मा की स्थिति है, एक चैतन्य है, एक शून्य की स्थिति है। इसीलिए गौतम बुद्ध कहते थे उस शून्य समाधि ही सिखाते थे, शून्य में जाकर ठहर गए थे। उन्होंने क्या कहा, सिर्फ एक चेतना है, सब कुछ चेतना है। और जब एक चेतना बोले तो एक ही है, हम दो नहीं हैं। इसीलिए सेल्फ रियलाइजेशन के बाद, वहां पे पहुंचने के बाद, आप हैं ही नहीं, वो एक ही चेतना है जो सबके अंदर देख रहा है, बोल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, कर रहा है। अगर आपके दिमाग में भगवान है कहीं, ये है, तो आप इस सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान माने इस चेतना को भगवान कहते हैं। और ये सब कहानियों में मत फंसना, लीलाओं की कहानियों में, बाल्य की तरह बाल्य कथाओं में फंस जाएगा तो खेल खत्म है, उधर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कितने सारे रासलीला लिखी गई है, लीलाएं लिखी गई, जितना जल्दी बाहर निकल सकते हो उसे। वो लिखने वाला भी इशारा किया है कि अंत में तुम्हें निकलना है इधर से। तो उस परम सत्य, इसी को हम सत्य कहते हैं। तो सत्य क्या है? सत्य वह है जो ये सृष्टि से पहले भी था, और सृष्टि जब है तब भी है, और सृष्टि जब नहीं रहेगी तब भी सत्य रहेगा। वही सत्य है, और वो आत्मा है, वो चेतना है। और वो कौन है? वो आप हो, वो आपका ही स्वरूप है। जिसने वहां पे पहुंच गया
तो देखा कि जन्म मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि आत्मा की कोई जन्म मृत्यु होती ही नहीं है। आत्मा निश्चल है, अचल है, निसीम आकाश की भांति सर्वत्र सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है। तो बहुत सारे गुरु लोग बोलते हैं आत्मा निकल के जाती है, किधर निकल के जाती है, आत्मा कैसे चलता है। ऐसे शास्त्रों को उठा के जितना जल्दी हो सके उसको जला के फेंक देनी चाहिए। आत्मा कैसे निकल के चल सकता है, आत्मा तो अचल है, निश्चल है, आत्माएं भ्रमण थोड़ी करेगी, वो तो एक है, उससे विशाल कोई है ही नहीं। लोग इसलिए फंस जाते हैं आत्मा और परमात्मा में। अरे भाई, आत्मा ही परमात्मा की स्थिति है, दो नहीं है। तो लोग जब नहीं समझते थे इन बातों के, इसीलिए कुछ लोगों ने बता दिया, देखो ये आत्मा, ये परमात्मा, एक कोई और सत्ता है, तुम अलग हो। इनको मुक्ति कभी आज तक नहीं मिल पाई, ना मिलेगी कभी। तो आप लोग भी जब ध्यान में बैठे तो अंदर स्वयं को जानने की ही जांच प्रयास होनी चाहिए कि मैं अंदर जा रही हूँ, उस परम सत्य तक, उस आत्मा तक, वहाँ तक मुझे पहुँचना है। नहीं तो आप लोग हमेशा भगवान है कोई कहीं पे है, वो कर रहा है सब कुछ, नहीं, ये सब अनादि है, शाश्वत है। इसी अंदर जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, नमस्कार।